अर्थ दो टाइप के मोशंस करता है, एक तो रोटेशन होता है और दूसरा रिवोल्यूशन होता है। सबसे पहले एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा ये चीज कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर। ये एक्सिस को हमने क्या नाम दिया था, हमने ऊपर टॉप एक्सिस पे बोला था कि ये वाला पोजीशन नॉर्थ पोल है और नीचे वाला पोजीशन साउथ पोल है, और इसके हिसाब से हमने ये भी मार्क किया था कि ये हमारा ईस्टर्न साइड है और ये हमारा वेस्टर्न साइड है। तो अर्थ का रोटेशन जो होगा वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ये हमने देख लिया था। और इसी वजह से जब भी हम नॉर्थ पोल के ऊपर आँख गड़ा के देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो अर्थ है, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो अर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेशन का अर्थ दो तरीके से है, एक तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, या फिर नॉर्थ पोल के ऊपर से देखने पर अर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये हमें बताना पड़ेगा। ये बेस में वापस से अगर अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो यहाँ से पूरा घूम के आने में वापस अगर यहाँ पहुँचता है अर्थ तो उसको लगभग लगभग 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स लगभग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये कुछ 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकंड्स होते हैं, मतलब कि ये नॉर्मली 24 घंटे से थोड़ा कम ही होता है। लेकिन फिर भी हम लोग अब इतना कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स को मान लेते हैं कि अर्थ का एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है वो है 24 आवर्स। इसी की वजह से दिन और रात होता है। कैसे, मान लीजिए कि ये अर्थ है और हमारा जो सन है वो कहीं इस डायरेक्शन में है। अब इस सन की रोशनी जब भी अर्थ के ऊपर पड़ेगी तो केवल और केवल आधा ही अर्थ ऐसा होगा जो कि रोशनी देखेगा, बाकी जो इसके पीछे होगा इस वाले पोर्शन में पूरा अंधेरा होगा। मतलब कि केवल और केवल आधे अर्थ पर दिन होगा और बाकी के आधे अर्थ पर रात होगा। तो दिन और रात जो भी एक ऐसी लाइन इन दोनों लोगों को अलग करती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि उजाला, तो उजाला कितने दूर है, केवल आधा दूर है, और कितने दूर उजाला नहीं है इसके आधार पर जो भी हमने एक एक्सिस बनाया है इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम दे रहे हैं। इसके बाद रोटेशन आखिरकार होता कैसे है, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ ऐसा नहीं है कि जब भी तक आप जो बात कर रहे थे कि बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और बिल्कुल नीचे यहाँ पर साउथ पोल होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है क्यों, क्योंकि अर्थ यहाँ और यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना होके ये हल्का सा टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है। टिल्टेड का मतलब झुका हुआ, और यहाँ पर दरअसल असल में नॉर्थ पोल यहाँ है और असल में साउथ पोल यहाँ है, और इसी नॉर्थ और साउथ पोल वाले जो ये लाइन आप देख रहे होगे इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। और यहाँ पर जो हम इस डॉटेड लाइन की बात कर रहे थे जो कि हम पहले समझते थे कि ये नॉर्थ पोल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर रोटेशन के साथ साथ हमको एक और जो मोशन पढ़ना है अर्थ का वो है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर बीच में यहाँ कहीं पर सन है तो इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर भी काटेगा, मतलब कि एक तो ये अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर ये रोटेट कर रहा है, मतलब अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और दूसरी तरफ ये सन का चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैंने अर्थ को देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब अर्थ टिल्टेड है हमेशा, और ये टिल्टेड जो है अर्थ झुका हुआ है ये कभी भी नहीं चेंज होगा। जैसा जिस डायरेक्शन में अर्थ झुका हुआ है वैसा ही झुका हुआ रहेगा हमेशा, बस उसी झुके हुए पोजीशन पर अगर सेंटर पे सन है तो इसका चारों तरफ चक्कर वो लगाता रहेगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो इसीलिए हम दो मोशंस देखते हैं, एक तो रोटेशन जो कि अपने ही एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है, और दूसरा रिवोल्यूशन जो कि अर्थ सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके आधार पर अगर अब हम रिवोल्यूशन की बात करें जिसमें हम बोल रहे थे कि अर्थ जब सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इसको हम लोग रिवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसमें पूरा टाइम कितना लगता है, हमने देखा कि रोटेशन में तो लगभग लगभग 24 आवर्स लग रहे थे, अगर रिवोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर 365 डेज हम बोलते हैं कि हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में अर्थ को एक साल लग जाता है। अब एक साल हम मानते हैं कि लगभग लगभग 365 दिन का होता है, 365 डेज का होता है। अब यहाँ पर क्या एग्जैक्टली 365 डेज होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है।
यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 365 डेज 6 आवर्स का होता है, मतलब कि हर साल लगभग लगभग 6 घंटे बढ़ जाते हैं। अब इसको कंपेंसेट कैसे किया जाए, तो आप जानते हो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर ऐसे ही 6-6 घंटे हर साल बढ़ते रहे और हमने एक साथ 4 साल के बाद एक दिन एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि 4 साल के बाद टोटल कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर 24 घंटे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी चौथा साल होगा वो हमारा 365 दिन का नहीं होगा, बल्कि वो हमारा 366 दिन का होगा, 366 डेज का होगा। इसीलिए 366 डेज को हम हर फोर्थ ईयर मनाते हैं और हम बोलते हैं कि ये 366 डेज वाला ये स्पेशल ईयर है, जिसको हम लोग लीप ईयर का नाम देते हैं। इस पूरे साल में जहाँ पर यूजुअली फरवरी में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि हर साल एक्चुअल में 6 घंटे बढ़ते रहते हैं, इनको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग को चौथे साल में इकट्ठे एक दिन बढ़ा देना होता है, ठीक है। तो 366 डेज क्यों होता है, ये आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।